बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम मुग्धा के पाठ 13 को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है श्यामपट्ट। बच्चों इस पाठ में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य जैसी बात कराई जाती है उसे मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। इस पाठ में श्यामपट्ट अर्थात ब्लैकबोर्ड अपनी आत्मकथा बता रहा है कि विज्ञान की प्रगति के साथ साथ किस प्रकार उसके जीवन में परिवर्तन हुए। बच्चों यह पढ़ना कितना सुखद है कि जिस श्यामपट्ट के साथ हम लोग कक्षा में दिन भर रहते हैं, हम जिसका उपयोग करते हैं, आज हम उसी श्यामपट्ट से उसकी आत्मकथा को सुनेंगे। तो बच्चों आप अपने मुग्धा की किताब का पेज नंबर 82 ओपन कीजिए और साथ में एक पेंसिल लीजिए। हम लोग कठिन शब्दों के नीचे लाइन खींचते हुए उनको अर्थ को लिखते हुए पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ 13 श्यामपट्ट। किसी भी स्कूल की प्रत्येक कक्षा में मेरी उपस्थिति सदैव बनी रहती है। उपस्थिति मतलब होता है हाजिरी। सदैव अंडरलाइन कीजिए और उसके ऊपर लिखिए हमेशा। कक्षा में शिक्षक आते हैं और जाते हैं, विद्यार्थी भी कक्षा में आते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन मतलब पढ़ाई करते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए पास होते हैं और कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आप कक्षा 3 को छोड़कर के कक्षा 4 में आए, क्लास 4th को छोड़कर के क्लास 5th में आए। कक्षा ही क्या, स्कूल भी छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं सदैव कक्षा में ही रहता हूं। सदैव मतलब होता है हमेशा। मैं कक्षा का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण सदस्य हूं। अनिवार्य को अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए जरूरी। मेरे जन्म, विकास और उपयोगिता की कथा बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प मतलब होता है रोचक। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम मेरा निर्माण लकड़ी के तख्तों से हुआ, यानी लकड़ी के टुकड़ों से श्यामपट्ट को बनाया गया। मैं वृक्षों की संतान हूँ। जैसे आप अपने मम्मी पापा की संतान है, ऐसे ही श्यामपट्ट कह रहा है कि श्यामपट्ट वृक्षों की संतान है। बढ़ई ने मेरा पालन पोषण करके मुझे साफ सुथरा बनाया, फिर काले रंग से मेरा श्रृंगार किया। बढ़ई मतलब होता है कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करता है उसे बढ़ई कहते हैं। तो बढ़ई ने श्यामपट्ट को बनाया, सुधारा और काले रंग से उसे सजा दिया। कक्षा के कमरे की दीवार के बीचों बीच मेरा सिंहासन है, यानी जो श्यामपट्ट होता है वह कक्षा की दीवार के बीचों बीच लगाया जाता है। विद्यार्थी मेरे सम्मुख बैठते हैं। सम्मुख को अंडरलाइन कीजिए, उसके ऊपर लिखिए सामने। शिक्षक और विद्यार्थी के संवाद का मैं मंच होता हूँ। संवाद मतलब होता है बातचीत। जो शिक्षक और विद्यार्थी आपस में बातचीत करते हैं वह श्यामपट्ट के माध्यम से ही होती है। कक्षा में लिखाई पढ़ाई का काम मेरी छाती पर चलता है। देखिए लिखाई पढ़ाई के बीच में एक छोटा सा डैश लगा है, उस डैश को हम योजक चिन्ह कहते हैं। चौक और डस्टर मेरे दो सेवक है, यानी श्यामपट्ट की सेवा करने वाले दो लोग हैं, पहला चौक और दूसरा डस्टर। चौक से श्यामपट्ट के ऊपर लिखा जाता है और लिखे हुए शब्दों को डस्टर के माध्यम से मिटा दिया जाता है। चौक से मुझ पर भाषा के अक्षर और चित्र बनाए जाते हैं। विद्यार्थी कक्षा में मेरा सम्मान करते हैं, वे मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। मैदान में खुली हवा की कक्षा में भी मैं काम आता हूँ। डस्टर की सेवा सबसे बड़ी है, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था जो अक्षर लिखे जाते हैं उसे डस्टर की सहायता से मिटा दिया जाता है। मुझ पर लिखे या बने चित्र की आवश्यकता नहीं रहती तो डस्टर उसे तुरंत साफ कर देता है। आवश्यकता मतलब होता है जरूरत।
मेरा श्याम शरीर, श्याम मतलब होता है काला, मेरा श्याम शरीर फिर सेवा को तत्पर हो जाता है। श्याम मतलब होता है काला, तत्पर मतलब होता है तैयार, यानी श्याम पट का काला शरीर फिर से सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मुझ में भी परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। पेड़ों की कटाई से प्रकृति और पर्यावरण की बहुत हानि होती है। जब पेड़ कटते हैं तो हमारी प्रकृति को और हमारे आसपास के वातावरण को बहुत नुकसान होता है, इसलिए मेरा निर्माण सीमेंट से होने लगा। सीमेंट मेरा जनक हो गया। जनक मतलब होता है पिता। लेकिन श्याम वर्ण की शोभा में काला रंग रोगन मेरा हमदर्द बना रहा। लेकिन जो काले रंग की, जो श्याम पट का काला रंग है, उसकी शोभा उसी से बनी रही। मेरा काला मुखड़ा कुछ लोगों को रास नहीं आता था, यानी श्याम पट का जो काला रंग था कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इस कारण, इसलिए मेरे शुभ चिंतकों ने हरे रंग से मुझे सजा दिया। जो श्याम पट के शुभ चिंतक थे, श्याम पट का जो भला चाहने वाले थे, उन्होंने श्याम पट को काले रंग से हरे रंग में बदल दिया। इस परिवर्तन से मैंने अपना नाम नहीं बदला। आपने देखा होगा आपकी कक्षा में ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस ग्रीन बोर्ड को भी श्याम पट के नाम से बुलाया जाता है। मैं आज भी श्याम पट ही कहलाता हूं। मेरी सेवा पर भी कोई अंतर नहीं आया। मैं बराबर सेवा में तत्पर रहता हूं, यानी श्याम पट लगातार लोगों की सेवा में लगा रहता है। विज्ञान ने और उन्नति की, जिसका असर मुझ पर भी हुआ है। यानी विज्ञान की उन्नति के साथ साथ श्याम पट में भी परिवर्तन होने लगे। उसने मुझे काले तख्ते से सफेद तख्ते में बदल दिया, यानी जो ब्लैक बोर्ड था अब वह व्हाइट बोर्ड बन गया है और चौक की जगह उस पर मार्कर से लिखा जाने लगा है। चौक के स्थान पर रंगीन कलम का प्रयोग होने लगा है। लेकिन दोनों की सेवा वही रही जो पहले थी। अब मुझ पर रंगीन कलम से लिखाई होती है। सुंदर सुंदर चित्र भी मैं अपने सीने पर साधता हूँ, यानी श्याम पट के सीने पर सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए जाते हैं। मुलायम डस्टर मेरे सफेद तन के रंगों को साफ कर देता है। जो सॉफ्ट डस्टर होता है वह व्हाइट बोर्ड को साफ कर देता है। कक्षा का सजीव गवाह हूँ। सजीव मतलब जिंदा। मैं शिक्षकों का क्रोध, विद्यार्थियों के आंसू बिना बोले सहता हूँ। यानी जब क्लास में कोई बच्चा शोर करता है या पढ़ाई नहीं करता है तो शिक्षक उसके ऊपर क्रोधित होते हैं और उस क्रोध के कारण कई बार विद्यार्थी रोने भी लगते हैं। तो यह सारी चीजें श्याम पट देखता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता है। चौक नहीं चला या रंगीन कलम की स्याही समाप्त होने पर भी शिक्षक की झुंझलाहट का शिकार मैं ही होता। मैंने अपने पास आते विद्यार्थियों के मन को पढ़ा, यानी जो बच्चा शिक्षक के बुलाने पर श्याम पट के पास आता है उसके मन को भी पढ़ा है कि वह कब डरता है और कब खुश होता है। होशियार विद्यार्थी पहलवान की तरह आता है, यानी जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको प्रश्न का उत्तर पता होता है, वह पहलवान बन के आता है, जल्दी जल्दी आ जाता है और सही उत्तर मेरी छाती पर लिखकर विजय मुद्रा में लौटता है, यानी वह जीत गया है ऐसा सोच करके वह लौटता है। अबोध बालक, यानी जिसको प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता है, धीमी गति से कदम बढ़ाता है, लेकिन भय के कारण सही उत्तर भी भूल जाता है। आपको कई बार प्रश्न का उत्तर आते हुए भी जब आपके टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाते हैं तो आप भूल जाते हैं। शिक्षक उसे संभाल लेते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं, तो वह बच्चा सही उत्तर लिख देता है। उसे उत्तर याद आ जाता है और वह भी सही उत्तर लिख जाता है। उस समय मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता मतलब खुशी
होती है। मैं शिक्षकों के लिए बड़ा उपयोगी और विद्यार्थियों के लिए परोपकारी हूँ। जो श्याम पट है वह शिक्षकों के उपयोग में आने वाली चीज है, यानी जो शिक्षकों को विद्यार्थियों को बताना होता है वह श्याम पट के ऊपर लिख देते हैं और विद्यार्थी शिक्षक द्वारा समझाई गई बातों को समझते हैं, जो कि मैं शिक्षकों के लिए उपयोगी और विद्यार्थियों के लिए परोपकारी हूँ। यानी श्याम पट का उपयोग करके शिक्षक अपने छात्रों को समझाते हैं और शिक्षक द्वारा कही गई बातें छात्र श्याम पट से समझते हैं, इस कारण श्याम पट उनके ऊपर परोपकार करता है। मेरा जीवन सेवा के लिए अर्पित है। जो श्याम पट का जीवन है वह सभी की सेवा के लिए अर्पित है। कभी कभी मुझे बड़ा कष्ट होता है, कष्ट यानी दुख होता है, जब कुछ शरारती छात्र मेरे तन की तोड़फोड़ करते हैं, यानी कुछ शैतान बच्चे जब श्याम पट की तोड़फोड़ करते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है। मेरी मरम्मत होती है यानी उसे बनाया जाता है तो और कष्ट होता है, क्योंकि मरम्मत के कार्य में कई दिन लग जाते हैं, यानी श्याम पट को सुधारने में कई दिन लग जाते हैं और कक्षा में श्याम पट का प्रयोग बंद हो जाता है तो श्याम पट को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह ना तो शिक्षकों के उपयोग में आ पाता है ना छात्रों के ऊपर परोपकार कर पाता है। कक्षा के कुछ शरारती छात्र हाथ चौक या रंगीन कलम से मेरे सीने पर अशब्द लिखते हैं, यानी बुरी बातें लिखते हैं। मैं उसे चुपचाप सहता हूँ, श्याम पट उसे चुपचाप सह लेता है क्योंकि वह कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि विधाता ने मुझे हाथ नहीं दिए। विधाता मतलब होता है ईश्वर ने। मेरा जीवन भी आपके जीवन जैसा ही है, श्याम पट कह रहा है उसका जीवन भी हमारे और आपके जीवन जैसा है, इसमें सुख और दुख दोनों शामिल है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, श्याम पट किसकी संतान है? श्याम पट वृक्षों की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम पट को अन्य किन रंगों में परिवर्तित किया गया है? श्याम पट को हरे और श्वेत रंगों में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट की उन्नति किस प्रकार हुई? श्याम पट लकड़ी के तख्ते की जगह सीमेंट का बनने लगा, इस प्रकार श्याम पट की उन्नति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट को कष्ट कब होता है? श्याम पट को तब कष्ट होता है जब शरारती छात्र उसके तन की तोड़फोड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट का जीवन कैसा है? श्याम पट का जीवन मनुष्यों जैसा है। बच्चों यह हो गए हमारे मौखिक प्रश्न, चलिए अब हम लिखित प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। कक्षा के कमरे में किसकी उपस्थिति अनिवार्य बनी रहती है? कक्षा के कमरे में श्याम पट की उपस्थिति अनिवार्य बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद का मंच कौन होता है? शिक्षक और विद्यार्थी के संवाद का मंच श्याम पट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट का जन्म कैसे हुआ? श्याम पट का जन्म लकड़ी के तख्तों से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट के सेवक कौन है? चौक और डस्टर श्याम पट के सेवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम पट को खुशी कब होती है? श्याम पट को खुशी तब होती है जब किसी बच्चे को पूछे गए प्रश्न का उत्तर याद आ जाता है और वह सही उत्तर श्याम पट पर लिख देता है। बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्राचीन काल में श्याम पट लकड़ी कागज का होता था। किसका होता था? लकड़ी का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले छोटी छोटी तख्तियों पर लिखावट और पेंटिंग का काम होता था। किसका काम होता था? लिखावट का। श्याम पट को काले लाल रंग से पोता जाता है। किस रंग से पोता जाता है? काले रंग से। श्याम पट को ब्लैक बोर्ड रेड बोर्ड कहते हैं।
ब्लैक बोर्ड कहते हैं। श्याम पट पर चौक या कलम से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है? चौक से लिखा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़े बनाओ विद्यार्थी जीवन में बहुत उपयोगी है। क्या उपयोगी है? श्यामपट। श्यामपट पर नहीं लिखना चाहिए, अशब्द, यानी हमें बुरी बातें श्यामपट पर नहीं लिखना चाहिए। मैं शिक्षकों के लिए उपयोगी और विद्यार्थियों के लिए हूं, कैसा हूं? परोपकारी हूं। मेरा जीवन सेवा के लिए है, क्या है? अर्पित है। मेरा श्रृंगार किया जाता है, यानी श्यामपट का श्रृंगार किया जाता है किस रंग से? काले रंग से। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। अनिवार्य मतलब जरूरी। श्यामपट कक्षा में अनिवार्य अंग है। श्यामपट कक्षा का अनिवार्य अंग है। अनिवार्य मतलब जरूरी। श्यामपट कक्षा का अनिवार्य अंग है। दिलचस्प यानी रोचक। श्यामपट की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। परोपकारी, श्यामपट बहुत ही परोपकारी है। अर्पित, श्यामपट का जीवन सेवा के लिए अर्पित है। चलिए अब हम भाषा कौशल के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लग करके विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ करके पढ़ाई शब्द बनता है, तो इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में आई प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं। लिख धन आई लिखाई, मीठा धन आई मिठाई, दिख धन आई दिखाई, चढ़ धन आई चढ़ाई, भला धन आई भलाई, कढ़ धन आई कढ़ाई। बच्चों यह हमारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको पाठ और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एवं लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।